हेलो गाइस यार, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में यार। और ये नए वीडियो भी है मेरा क्लाउड गेम्स के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यार, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने 2K19 और 2K18 के बारे में बात की थी और क्लाउड गेम्स के बारे में बात की थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो इंडिया में क्लाउड गेम्स बंद हो रही है और हमें फ्री ट्रायल देखने को नहीं मिल रहा है। तो यार यहाँ पर जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मैंने आपको FIFA 17 का फ्री ट्रायल खेल के दिखाया था, क्योंकि हम एक का ही फ्री ट्रायल खेल पाए थे यार, क्योंकि और कोई गेम इन्होंने रखी नहीं थी फ्री ट्रायल में। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं यार, फीफा का टाइम है सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें दिया हुआ है। तो अब इस टाइम को आगे कैसे बढ़ाना है, मतलब 10 से 15 मिनट कैसे करना है, मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ यार। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना, और साथ में घंटा बना होगा उससे भी दबा देना गाइज। तो चलिए यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon for latest news and updates. तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में यार। तो अब शुरू कर दिया ये वीडियो हमने। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे फ्री ट्रायल लिखा हुआ है यार, अभी हम फीफा ही खेल सकते हैं फ्री में सिर्फ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रायल टाइम 10 मिनट लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने देखा था, वहाँ पे 10 मिनट्स का ही ट्रायल टाइम था यार। तो अब इस 10 मिनट्स को 15 मिनट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक ऐप चाहिए यार, VPN ऐप है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर मैं निकल जाऊँगा। मेरे को ये VPN ऐप काफ़ी अच्छी लगी यार, UFO नाम है इसका। और जो पहला आएगा यार UFO VPN, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है यार। साइज़ का मुझे इसका याद नहीं है कितना साइज़ है इसका, तो आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन छोटी ऐप है ये। आजकल तो 4G का ज़माना है, वैसे भी सबके पास जियो है तो डाउनलोड तो हो ही जाएगी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है गाइज़, आपको इसे ऑन करना है यार। तो ये पहले कुछ आपको स्किप स्किप करने को बोलेगा, आप सब कुछ स्किप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन है क्लिक द बटन टू कनेक्ट और चूज़ लोकेशन। सबसे पहले आपको चूज़ लोकेशन पे जाना है यार, और लोकेशन आपको चूज़ करनी है अपनी गाइस, हांगकांग चूज़ करनी है यार। जी हाँ गाइस, हांगकांग चूज़ करके देखते हैं हम। तो गाइस अब मैं अपनी क्लाउड गेम्स को बीच में से काट रहा हूँ। हांगकांग रहने दीजिए गाइस, हम चेंज करके कर देते हैं यहाँ पे हांगकांग की जगह फिलिपीनेस करके देखते हैं की जोन सिटी। तो कनेक्टिंग हो रहा है, जब ये इधर कनेक्ट हो जाएगा गाइस तब आपको करना है ये। तो मैंने क्वी जोन सिटी कर दिया, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगी गाइस। तो अब मैं अपनी क्लाउड गेम्स को बीच में से बंद करके ऑन कर रहा हूँ ताकि इसको शक ना आए हम पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, आई नो दैट कंटिन्यू टू बी। तो अब फिर से फ्री ट्रायल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी मेरे को दिखा रहा है ट्रायल टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स, मतलब फिलिपीनीज में भी आपको 10 मिनट का ही ट्रायल टाइम मिलेगा यार। तो हम फिर से इसको बीच से काट देते हैं। मैं आपको सारी लोकेशंस बता रहा हूँ गाइस कि किस में आपको 15 मिनट का दिखेगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक में 15 मिनट का देखा था। तो आपको बस उसी लोकेशन पर जाना है, आपको बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बस आपको उस लोकेशन पर क्लिक कर देना है। मैं अब हांगकॉन्ग रख के देखता हूँ, शायद इसमें मेरे को मिल जाए 15 मिनट का। और ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है यार, इसकी ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुछ VPNs होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं कनेक्ट होने में, लेकिन ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो इस बार मैंने हांगकांग रखी है यार, मैंने सब लोकेशंस का ट्राई मारा यार और लगभग सभी में चल रही है ये, लेकिन जब मैं जापान में आ रहा हूँ चाइना वाली साइड तो जापान में नहीं चल रही यार, उसका मुझे पता नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आगे। और ये देखिए हांगकांग में आ गया ट्रायल टाइम लेफ्ट 15 मिनट्स यार। तो यही 15 मिनट्स है, अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट गेम करके दिखाता हूँ यार। मुझे यहाँ पे 1 मिनट चाहिए इसमें से, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे, मतलब शायद इसकी वजह से आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाए बगैर खेल सकते हैं एक ही ऐप से सिर्फ गाइस। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं गाइस, मैं आपको गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गेम प्ले मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर आपको देखना था मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं यार। तो आपको स्टार्ट गेम कर देनी है यार और गेम खेल लीजिए पहले हांगकांग वाले VPN से, फिर VPN में जाके VPN चेंज कीजिए, इसको बंद करके ऑन कीजिए क्लाउड गेम्स को, और जो VPN चेंज करके लगाया गाइस उसको फिर से खेलिए। तो ऐसे आप मल्टीपल अकाउंट्स पैरेलल स्पेस इनके बगैर आप मज़े से अपनी FIFA 17 खेल सकते हैं यार, क्योंकि और कोई गेम तो हमें नहीं खेलने को मिल रही, तो क्लाउड गेम्स में अभी आप यही खेल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जापान में क्यों नहीं चल रही, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद ये लॉन्च नहीं हुई है जापान में या पता नहीं क्या। आपके सामने मैं जापान ले रहा हूँ, टोक्यो आ गया यहाँ पे। तो अब ये कनेक्ट हो जा, और गाइस ये हो गया कनेक्ट यार। तो आप देख सकते हैं अब मैं फिर से वही कर रहा हूँ जो मैंने हर वीडियो में किया, बीच से काट दिया इसको। तो
तो अब देखिए जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ यार ये लोड ही नहीं होता। ये देखिए बहुत टाइम लगाएगा अभी ये लोड होने में, लोड होता ही नहीं गाइस ये, और फाइनली लोड हो गया यार ये जापान। इस बार लोड हो गया तो मैं देखता हूँ जापान में कितना टाइम देखने को मिल रहा है हमें। जापान में शायद इसकी स्पीड थोड़ी कम है, तो जापान में भी आपको 10 मिनट का टाइम देखने को मिलता है यार। तो आपको लोकेशन अपनी हांगकांग रखनी है यार, जिससे आप 15 मिनट तक एक बार खेल पाएंगे, और जब उसका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा गाइज तो अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए, फिलिपिनोज ले आए या फिर जापान ले आए, कोई भी ले आए, और फिर उससे आप एक और बार फिर से फीफा खेल सकते हैं। और ऐसे कर करके आप बिना पैरेलल स्पेस और मल्टीपल अकाउंट्स के अपनी फीफा 17 खेल सकते हैं यार। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब।